नमस्कार, श्रीयोग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। जिस तरीके से बिहार में बीते कुछ दिनों में शराब की वजह से मौत का तांडव शुरू हुआ है, उसको लेकर के अब सत्ताधारी नेताओं का बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का अब बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर शराबबंदी के लिए लोगों को जिम्मेवार ठहराया है और कहा है कि शराबबंदी सिर्फ सरकार के बूते की बात नहीं है, शराबबंदी लोगों के बस की बात है। सरकार चाह करके भी पूरी तरीके से शराबबंदी लागू नहीं कर सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पूरी बातों को सुने। देखिए, मौत हो गई है, इस पर क्या कहना है। दुखद घटना है, किसी कारण से किसी भी की मौत हो तो निश्चित रूप से यह दुखद है, पीड़ादायक घटना है। लेकिन अब सब लोगों को समझना चाहिए, शराब पीने से हानि ही हानि है। कोई अभी का अभी मर जाता है, कोई कुछ सालों के बाद बीमारी से ग्रस्त होकर मरेगा। तो शराब वर्जित करना चाहिए, लोगों को नहीं पीना चाहिए। सब लोगों से आग्रह है और आप लोगों से भी, तमाम बुद्धिजीवी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, कि समाज के लोगों को प्रशिक्षित करें ताकि लोग पीने की आदत को त्यागी। सर, क्या लग रहा है? ये जनता दल के लोग कह रहे हैं कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी अगर कानून नहीं सफल हो रहा है तो कुछ संशोधन कर देनी चाहिए। देखिए, कहीं भी कोई कानून है, हत्या के खिलाफ भी कानून है, तो क्या दुनिया का कोई देश, हिंदुस्तान का कोई राज्य, कोई थाना है जहाँ कोई कहे कि हत्या बिल्कुल बंद हो गई? इसका मतलब हत्या का रोकने का जो कानून है उस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा थोड़े है। हाँ, कानून को ठीक से कार्यान्वित किया जाए इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी जब तक आम लोगों का ठीक से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ सरकार के बूते यह काम संभव नहीं हो सकता। दो राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में, कैसे देख रहे हैं आप? बिहार में बाईपोल्स भी है सर। हाँ ठीक है, चुनाव है, अब चुनाव सब लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी देंगे, जनता के हाथ में है, जनता फैसला करेगी। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से पहले से मीडिया से लेकर एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे थे लोग, और रिजल्ट जो जनता ने दिया वही रिजल्ट सबके सामने है, तो इसी तरह का रिजल्ट आगे के चुनाव में झारखंड हो बाकी जगह आएगा। शराबबंदी फेल का, देखिए शराबबंदी 100% तब सक्सेस होगी जब आम लोगों का सहयोग मिलेगा, सब लोगों का सहयोग मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार के बूते यह काम 100% सफल हो जाए यह नहीं संभव है। तो सुना आपने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को, जिस तरीके से बिहार में बीते कई दिन से सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि सरकार के बस की बात नहीं है कि सरकार शराबबंदी लागू कर दे, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के इशारों पर हो सकता है, लोगों के कहने पर हो सकता है और लोगों के अमल करने पर हो सकता है। ये तमाम बातें कहते हुए उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने शराबबंदी के वजह से जो मौत हो रहे हैं, जो शराब बिक रही है शराबबंदी होने के बावजूद भी, इसका ठिकड़ा लोगों पर ही फोड़ दिया है और कह दिया है कि इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है बल्कि लोग जिम्मेवार है, और शराबबंदी सरकार नहीं कर सकती है, लोग कर सकती है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर शराब आ कैसे जाते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि लोग लेकर के आते हैं तभी ना बिकता है, लोगों को लेकर के ही नहीं आना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि सरकार ने शराबबंदी की है लेकिन शराबबंदी का पालन उन्हें ही करना है। ये तमाम बातों के साथ उपेंद्र कुशवाहा नजर आए थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे सीतयोग न्यूज, धन्यवाद।